फाइनली आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ पासपोर्ट किस तरह से अप्लाई करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, पासपोर्ट आप बिल्कुल आसान तरीका है अप्लाई करने का। अगर आप सीएससी आईडी चलाते हैं, सीएससी डिजिटल सेवा चलाते हैं, तो उसके थ्रू तो और ही आसान है। इसके अलावा अगर आप सीएससी आईडी नहीं यूज़ करते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का सेम तरीका है अप्लाई करने का। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को पूरा आप लास्ट तक आप एक बार देख लो, आपको पूरा पता चल जाएगा पासपोर्ट किस तरह से अप्लाई करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, मैं सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं गूगल खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइपिंग करूँगा पासपोर्ट सेवा। ओके, तो यहाँ पे पासपोर्ट सेवा आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसके वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। ओके, एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पे मैं लोकेशन को अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट आपको फर्स्ट लिंक पे ही मिल जाएगा। ये देख सकते हैं फर्स्ट वाले जो लिंक आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इसके वेबसाइट पे आ जाओगे। ओके, अगर आपके पास सी एस सी आई डी नहीं है तो फिर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लॉग इन आई डी बनाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं न्यू यूज़र रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देना है, बेसिक डिटेल डालकर अपना लॉग इन आई डी बना लेना है। जैसे कि यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस आपको पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है, आप बिहार से आते हो यहाँ पे पटना सिलेक्ट करना है, अगर मुंबई दिल्ली जहाँ से भी आप आते हो वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम, सरनेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे डू यू वांट टू लॉग इन आई डी, यहाँ पे यस पे करना है क्योंकि आपका लॉग इन आई डी ईमेल आई डी बन जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर आपसे पूछेगा तो ये ज़रूर जो है जैसे बर्थ सिटी जो भी आपका रहेगा यहाँ डाल दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, फ्यूचर में काम आएगा। ये कैप्चा इस बॉक्स में डाल देना है, रजिस्टर कर लेना। ओके, ऑलरेडी हमारा पहले से लॉग इन आई डी बना हुआ है क्योंकि हम सी एस सी आई डी से हम लॉग इन करेंगे, ठीक है। आप जो है ये फॉर्म फिल करके बना लीजिएगा। बनाने के बाद जो है लॉग इन करने के बाद, जैसे ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको यूज़र आई डी मिलेगा, उसको वेरीफिकेशन करके फिर इसको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है किस तरह से अप्लाई करते हैं वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम सी एस सी आई डी लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। आप ये फॉर्म फिल करके आप वीडियो के लास्ट में बना लीजिएगा लॉग इन आई डी। ओके, तो अभी फ़िलहाल हमारा इसका आईडी बना हुआ है फ्रेंड, न्यू टैब में मैं जो है सी एस सी आई डी लॉग, आप यहां से जो है अपना आईडी बना लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, हम डायरेक्ट आपको सिखाते हैं किस तरह से जो है आप अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम सी एस सी आई डी से लॉग इन कर लेते। ओके, तो सी एस सी आई डी से मैं यहाँ लॉग इन करने वाला हूँ, आप अपना आई डी से लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों का सेम तरीका है, मैं बोला हूँ ना, दोनों सेम तरीका है जो है पासपोर्ट अप्लाई करने का। बस आप वीडियो देखते रहिए किस तरह से अप्लाई करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है पासपोर्ट। आप देख सकते हैं पासपोर्ट, आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको आरपी ऑफिस अपना सिलेक्ट कर लेना है। हम बिहार से आते हैं, हमारा पटना पड़ता है, आप मुंबई से आते हो या दिल्ली से किसी भी स्टेट से आते हो, वो अपना आरपी ऑफिस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, हमारा पटना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पटना सिलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं गो टू पासपोर्ट सेवा में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट उसी वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारा लॉगिन हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको मेन काम स्टार्ट होता है, ठीक है। यह हमारा लॉगिन हो चुका है, आप यहाँ से अपना आईडी बना लीजिएगा। आईडी बनाने के बाद जब लॉगिन कीजिएगा तो आपको भी सेम इसी तरीके से दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस ये आप ऊपर में देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है। ये देख सकते हैं अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्लिक हेयर टू अप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस वाले पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो आपको ये फॉर्म आपको जो है एक एक करके स्टेप स्टेप करके जो है आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद टाइप ऑफ अप्लीकेंट पे नॉर्मल पे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ बुकलेट टाइप में 36 पेज का, ठीक है, क्योंकि 60 पेज का भी आता है तो 60 पेज का भी कोई नहीं यूज़ करता, ठीक है। आप 36 पेज पे क्लिक करेंगे, सबसे बेस्ट है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये तीनों पर आपको एक लाइन से क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे जैसे कि गिवन नेम देना है, ठीक है। गिवन नेम में जैसे कि मेरा है एम डी महफूज, ठीक है, और अगर अंसारी है तो वो आपको जो है सर नेम में आ जाएगा। जैसे कि अगर मोहित कुमार शर्मा तो मोहित कुमार उसका जो है गिवन नेम हो गया, शर्मा उसका जो है सर नेम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देख लीजिएगा क्लाइंट का क्या है आधार कार्ड, उस हिसाब से यहाँ कर लीजिएगा। मेल रहेगा मेल कर लीजिएगा। यहाँ देखिए पूछेगा हैव यू बीन नो अदर नेम, आपके दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्या, तो यहाँ पर नो पे क्लिक करना है, नहीं तो नो,
ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कभी आपके फ्यूचर में नाम भी चेंज हुआ है क्या, तो यहाँ पे भी नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद ये पूछेगा इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, आपका पैदाइश क्या इंडिया से बाहर का है, तो नहीं हमारा इंडिया ही कोई, तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ जो है आपका गाँव का एड्रेस दे देना है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा गांव का नाम मैं टाइपिंग कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ मेरी जो स्टेट है, जैसे कि शादीशुदा है कि नहीं, तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारा सिंगल ही है, ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया बाई, तो यहाँ पर बर्थ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर देना है, ओके। उसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर देना है, ये उतना ज़रूरी नहीं है वोटर आईडी कार्ड, मगर पेन नंबर आपको ज़रूर देना है, ठीक है, पेन नंबर लाजिम बिल्कुल। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉय टाइप में आप जो है यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, तो आप चाहे तो नॉट एम्प्लॉय डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। चलिए मैं नॉट एम्प्लॉयड पर यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ, आप भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ एडुकेशन क्वालिफिकेशन, ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, ठीक है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे दो पासपोर्ट बनती है, एक ECR होता है, एक ECNR होता है, ठीक है। तो जो 10वीं पास है उसका पासपोर्ट क्या बनेगा, ECNR। जो ग्रेजुएशन पास है उसका भी पासपोर्ट ECNR बनेगा। जो 10वीं से कम पढ़े लिखे जैसे 8वीं पास 7वीं पास, इसका पासपोर्ट जाहिल वाला बनेगा, ठीक है, यानी ECR वाला। तो अभी देख सकते हैं पढ़ा लिखा रहेगा, तो 10th पे क्लिक करना है और ये ऑलरेडी यस पे आ जाएगा, यानी पासपोर्ट ECNR रहेगा, ठीक है। तो हमारा कस्टमर जो है पढ़ा लिखा नहीं है, वो 7वीं ही पास है, तो कितना 8वीं पास है। तो चलिए मैं यहाँ पे 8वीं पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। 8वीं पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ना फ्रेंड, तो क्या होगा कि हमारा जो क्लाइंट का जो पासपोर्ट आएगा कस्टमर का, वो पासपोर्ट ECR आएगा, यानी कि लोग बोलते हैं मूर्ख वाला पासपोर्ट जाहिल वाला पासपोर्ट, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो 8वीं पास है, 10वीं से तो नहीं है, नहीं तो फिर उसका पासपोर्ट भाई पढ़ा लिखा वाला बनता। फिलहाल खैर कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे 8वीं पास दिया हूँ। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं विजुअल क्या बोल रहा है, ये बोलेगा कि आपके चेहरे या कोई शरीर पे कोई दाग वगैरह है क्या निशानी के लिए, अगर तिल वगैरह है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर दे सकते हैं, ठीक है, आधार कार्ड का नंबर होगा वो डाल दीजिएगा। सारा चीज़ फिल करने के बाद यहाँ देखिए आई एग्री है, यस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फैमिली डिटेल्स में आपको जैसे कि क्लाइंट का मदर का फादर का नाम देना है, ठीक है, फादर का सरनेम, ठीक है, जो भी रहेगा, मगर फादर का और मदर का जो उसका आधार कार्ड होगा उसमें से देख के आपको टाइपिंग करना है, एक भी स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी टाइपिंग कर रखा हूँ और यहाँ पे फ़िलहाल मैं एक बार मिला लेता हूँ, चलिए सब सही है। नेक्स्ट पे फिर से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे एड्रेस देना है, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आधार कार्ड पे मिल जाएगा, वो एड्रेस आप सही सही डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हाउस नंबर भी डाल सकते हैं, आधार कार्ड पे नहीं होगा तभी भी आप यहाँ हाउस नंबर डाल सकते हैं, चल जाएगा। स्टेट डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, यहाँ पे पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का ईमेल आईडी है तो भी डाल दीजिएगा, नहीं तो आप अपना डाल दीजिएगा, ठीक है, उस पर अपडेट मिल जाएगा, बाकी मोबाइल नंबर पे तो मिलेगा। उसके बाद नीचे में देखिए दो पूछेगा, एक परमानेंट एड्रेस पूछेगा, अगर आपका परमानेंट एड्रेस ऊपर वाला है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो, ठीक है। अगर प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है, तो उसमें भी यस क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा दोनों प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस हमारा यही है ऊपर वाला, तो मैं दोनों पर यस यस क्लिक किया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके। तो चलिए मैं सारा चीज़ करके, अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ओके पे बोलेगा क्लिक करने के लिए, ये ओके पे ज़रूर करना है क्योंकि आपको SMS के थ्रू अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर देना, ठीक है, कस्टमर का घर का कोई भी सदस्य का यहाँ पे नाम उसका मोबाइल नंबर दे देना है, जैसे कि इमरजेंसी में पासपोर्ट कहीं गुम हो गया या कहीं फंस जाता है तो कॉल करते वो लोग, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे उसका घर का फादर का ही नाम उसका मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा ना यहाँ पे आपसे कुछ पूछेगा, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देख सकते हैं पासपोर्ट का प्रीवियस ऑफिशियल पासपोर्ट कुछ पूछेगा, इसमें भी आपको नॉट अवेलेबल पे क्लिक करना है, डिटेल नॉट अवेलेबल, ठीक है। हैव यू एवर अप्लाई फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, यहाँ पे भी आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे तीनों पे नो नो क्लिक कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड नो नो नो, आपको भी इस करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
आपको नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपसे बहुत सारा पूछेगा, बहुत सारा सवाल पूछेगा, जैसे कि आपको पूछेगा कि आपका कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है आपके कोर्ट में, ठीक है। ये देख सकते हैं सारा चीज़ जो है एक एक करके आपसे पूछेगा सारा चीज़, तो ये सारा केस के ही रिलेटेड पूरा सवाल है, ठीक है, ये सारा केस के रिलेटेड है। बस आपको क्या करना है, सब पे नो नो क्लिक करना है आँख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं, ये सब पे नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए ये मैं सारा सब पे नो पे ऑलरेडी क्लिक कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है नो नो पे क्लिक करने के बाद नीचे में नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं आपका पासपोर्ट जो है रेडी हो चुका है, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है आपका पासपोर्ट आएगा आपके घर पे, ठीक है। तो आप ये डिटेल चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, इधर आपका फादर नेम, आपका जो है सारा एड्रेस वगैरह रहेगा, ठीक है। तो आप मिला लीजिएगा एक बार, देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह ही से आपका पासपोर्ट मिलेगा, ये जो है ऑलरेडी आप देख सकते हैं आपका एक जो है एग्ज़ाम्पल दिख रहा है। तो चलिए ये सारा चीज़ जो है सही है, अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, चलिए मैं नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ पे क्या करना है आपको ना, जो पासपोर्ट ऑफिस आप जाओगे ना तो कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाओगे उसका यहाँ पे सिलेक्ट करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक पैन कार्ड ले लेता हूँ, ठीक है, प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए, और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आधार कार्ड मैं ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिर आपका प्लेस डालना है, तो प्लेस हमारा दरभंगा हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको आप पहले सेव कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए सेव माय डिटेल, सेव माय डिटेल कर लीजिएगा, आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेरा सेव हो चुका है, यहाँ पे एंड सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ। पे एंड सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपका जो है सीएससी आईडी से 43 रुपये का जो है चार्ज देना पड़ता है पहले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना सीएससी आईडी का पासवर्ड और पिन डाल के 43 रुपये का ये मैं करता हूँ, एक मिनट। चलिए यहाँ हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है फ्रेंड, आप देख सकते हैं अभी यहाँ जो है मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट आपको बुक करना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुक करेंगे इसके लिए 1500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, ओके। तो चलिए यहाँ व्यू सबमिट पे आपको क्लिक करेंगे, देखिए व्यू सेव, ये जो है व्यू सेव सबमिटेड पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ऑलरेडी हमारा 4-5 पासपोर्ट पहले से बना हुआ है, सबका पासपोर्ट भी आ चुका है। अभी ये मैं आपके सामने में जो MD महफूज का अप्लाई किया हूँ तो देख सकते हैं, अभी इसका अपॉइंटमेंट बुक करना है, सबसे नीचे में आपको दिख जाएगा, ओके। इस वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ देखिए पे एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ देखिए पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इस वाले पे आप जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 1500 रुपये का आपको जो है UPI पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन के थ्रू, उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली, UPI के थ्रू हम करने वाले हैं, और नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको थोड़ा सा नाम डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड ये देख सकते हैं आपको एक लिस्ट दिखाई देगा जो कि आपके एरिए का जो कि इसका जो ऑफिस है वो होता है ना RPO ऑफिस, जो जो डेट में खाली रहेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमारा नज़दीकी में हमारा दरभंगा ही पड़ता है फ्रेंड, तो इस लिस्ट में मैं देखता हूँ, ये देख सकते हैं PSL के दरभंगा जो कि 17 मार्च का डेट खाली है। आज कितना मार्च है, 14 मार्च, 3 दिन के बाद जो है ये डेट अवेलेबल है, तो मैं यही डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ ऊपर में जाइएगा, इस लिस्ट में से आपको जो है देख लेना है दरभंगा किधर है, ये देख सकते हैं एक मिनट ऊपर में है, ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ दरभंगा आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ये कैप्चा जैसे कि 9BH7ESF ये कैपिटल लेटर में है, इस बॉक्स में आपको टाइपिंग करना है। उसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये देख सकते हैं फिर से इस तरह से इंटरफेस आएगा, 1500 रुपये का बोलेगा, ये देख सकते हैं अमाउंट फी 1500 है। उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, तो अभी यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे UPI के थ्रू करने वाले हैं, UPI पे हम क्लिक करेंगे, और UPI पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा। तो नीचे में भी दो ऑप्शन है, UPI के थ्रू आप कीजिए या QR कोड के थ्रू, ठीक है। QR कोड पे हम स्कैन कर देंगे, चलिए कोई बात नहीं है, तो देख सकते हैं स्कैन आ जाएगा, कोड आ जाएगा QR, तो इस पे जो है आपको स्कैन करके 1500 रुपये का जो है करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से पेटीएम ओपन करता हूँ,
और यहाँ पे मैं 1500 का जो है करता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट जो है कट चुका है 1500 रुपये, और फिलहाल यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा थोड़ा देर में, देख सकते हैं रिडायरेक्ट हो चुका है। अभी फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है, जो कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइमिंग 1 बजे का दिखा रहा है, यानी 1 बजे मुझे जो है ऑफिस में पहुँच जाना है, 1 बजे से पहले पहले, कम से कम 1 घंटा पहले, ठीक है। तो इसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे और नीचे में देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेंट रिसीव, यहाँ ओके पे क्लिक करना है और फ्रेंड इसको प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे देना है, ठीक है। उसके साथ ओरिजिनल में आधार कार्ड का भी प्रिंट कर लेना है, पैन कार्ड का भी प्रिंट कर लेना है और ये फॉर्म, ठीक है, ये तीनों चीज़ स्टेपलर में करके कस्टमर को दे देना है। वो अपना टाइम से पहुंच जाएगा उस डेट को, वहाँ पे जाएगा, फिंगर लेगा, उसके बाद उसका लाइव फ़ोटो खींचेगा, फिर 1 महीने के अंदर उसका घर पर पासपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे वीडियो में बताया हूँ आप उस तरह से अप्लाई कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्रेंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे अच्छा अच्छा वीडियो हम आपके लिए लाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर रख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।